Hello everyone. So in this video, we are going to learn the import type practical question, and this is the lecture number fifth of foreign currency transactions. So we have already covered four lectures of foreign currency, and we have discussed uh, the points related to export. I have also given you some practice questions. I have uh, I hope that you question, you have solved that questions properly. So this is the lecture number fifth, and in this lecture, we are going to discuss. द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द इम्पोर्ट टाइप वराइटी तो इम्पोर्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं फिर बाकी की चीजें को देखेंगे सबसे पहले कुछ रूल्स है इम्पोर्ट के जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अगर आपका रेट इम्पोर्ट में बढ़ता है तो वो लॉस होगा और एफ ई एफ अकाउंट वहां पर डेबिट होगा अगर आपका रेट इम्पोर्ट में कम होता है तो प्रॉफिट होगा और एफ ई एफ अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इम्पोर्ट में बैंक अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है ऐसा क्यों? बिकॉज इम्पोर्ट में हम पेमेंट करते हैं तो सिंस वी आर पेइंग सिंस वी आर डूइंग द पेमेंट बैंक अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड सिमिलरली हमने जो एक्सपोर्ट के टाइप सीखी थी तो एक्सपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि बैंक अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा वैसा ही इम्पोर्ट में हमेशा वो क्रेडिट होता है तो कुछ रूल्स हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस किए थे थोड़ा सा रिविजन कि एक्सपोर्ट की वराइटी में रेट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है और इस चैप्टर का बेस यही कहता है कि प्रॉफिट होगा तो एफ ई एफ अकाउंट हमेशा क्रेडिट अगर रेट आपका कम होता है तो लॉस होगा लॉस होगा तो एफ़ईएफ अकाउंट .E हमेशा क्या होगा लॉस होगा तो एफ ई एफ अकाउंट हमेशा हमेशा डेबिट होगा ठीक है बैंक अकाउंट हमेशा क्या होता है बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है किस में एक्सपोर्ट में क्योंकि लिए हमें पैसे मिलते हैं वी आर रिसीविंग द कैश हम हमें कैश मिलता है इसीलिए बैंक अकाउंट क्या होने वाला है डेबिट आज हम इंपोर्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के उल्टा है रेट अगर बढ़ेगा तो लॉस होगा एफ ई एफ अकाउंट क्या होगा डेबिट रेट अगर कम होगा तो प्रॉफिट होगा एफ ई एफ अकाउंट क्या होगा क्रेडिट बैंक अकाउंट हमेशा इंपोर्ट में क्या होने वाला है क्रेडिट ऐसा क्यों? बिकॉज हम पेमेंट करने वाले सिंस वी आर डूइंग द पेमेंट बैंक अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड ठीक है तो शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को कृष्णा लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्काईलैर्क लिमिटेड ऑफ यूएसए वर्थ यूएस डॉलर थ्री लैक्स तो इंपोर्ट का क्वेश्चन है ध्यान से समझना है इम्पोर्ट का क्वेश्चन दिया है इम्पोर्ट किया पार्टी का नाम है एक्सचेंज रेट कितना था तब सिक्सटी फाइव तो जिस दिन को हम इंपोर्ट करते हैं या जिस दिन को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम बेस रेट कहते हैं तो इसका बेस रेट कितना है बेस रेट दिया है आपको सिक्सटी फाइव बेस रेट मतलब कौन सा रेट बेस रेट मतलब वही रेट जिस रेट को हमने एक्सपोर्ट किया होगा या जिस रेट को हमने इंपोर्ट किया होगा तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बेस रेट का कंसेप्ट आपको क्लियर है फिर हमारे इंस्टॉलमेंट है फिफ्टींथ नवंबर को फिफ्टींथ मार्च को ट्वेंटी अप्रैल को टेंथ जनवरी को ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है तो ये पॉइंट अगर आप चेक करोगे तो फिफ्टीन नवंबर फिफ्टीन मार्च कोई दिक्कत वाला प्रॉब्लम वाला पॉइंट नहीं है लेकिन ये बीस अप्रैल और टेंथ जनवरी इनके बीच में एक डेट आएगी जो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट डेट है थर्टी फर्स्ट मार्च तो थर्टी फर्स्ट मार्च को हम दो एंट्रीज करते हैं इफ़ यू रिमेंबर कौन से कौन से एंट्रीज होती है एक होता है वैल्यूएशन की एंट्री और दूसरा होता है क्लोजिंग की एंट्री तो वैल्यूएशन की एंट्री और क्लोजिंग की एंट्री ये आपको ध्यान में रखनी है दोनों चीजें सीखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करना है तो आपको वही चीज ध्यान रखनी है वाइल कैलकुलेटिंग द पॉइंट ठीक है तो आगे आगे बढ़ेंगे कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च और थर्टी फर्स्ट मार्च का भी रेट आपको दिया है वो दिया ही होगा बिकॉज उसी से तो हम वैल्यूएशन करने वाले हैं पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कृष्णा फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एंड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो दोनों चीजें हमको करनी है जरल एंट्री सॉल्व करनी है तो so, मैंने जनरल एंट्रीज ऑलरेडी थोड़े लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए और टाइम भी अपना बचे और आपको वीडियो ज्यादा लेंदी बना लगे तो so, अगर हम ध्यान रखें तो फर्स्ट डेट डाल दिया मैंने टू थाउजेंड नाइनटीन अक्टूबर थर्टी फर्स्ट देखो इम्पोर्ट का फर्स्ट एंट्री जो रहेगा वो हमेशा सेम होगा एंड द एंट्री नंबर वन विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू स्का कैसे करना है कितने डॉलर के गुड्स हमने इंपोर्ट किए थ्री लाख डॉलर के गुड्स इंपोर्ट किए बेस, बेस, तो बेस रेट कितना है हमारा बेस रेट है हमारा 65. तो बेस रेट सिक्सटी फाइव है ठीक है तो थ्री लाख डॉलर को सिक्सटी फाइव से आपको मल्टीप्लाई करना है थ्री लैख डॉलर मल्टीप्लाईड बाई स That comes to in crore, one crore 95 तो आपकी अमाउंट आ जाएगी वन करोर नाइंटी फाइव लैक्स क्या होगा एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट स्काईलैर्क लिमिटेड परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट पार्टी का नाम था स्काईलैर्क लिमिटेड नरेशन मैंने लिख लिया है आप अपने बेसिस पे नरेशन को लिख सकते हो तो आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलमेंट में जाएंगे फिर जर्नल एंट्री देखेंगे इंस्टॉलमेंट नंबर वन फिफ्टीन नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन वन लैक डॉलर कितना रेट बना सिक्सटी फोर बना चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन में सिक्सटी फोर रेट बन गया कितना था हमारा बेस रेट कितना था हमारा बेस रेट था सिक्सटी फाइव अभी कितना रेट बना सिक्सटी फोर बना रेट क्या हुआ कम हुआ तो इंपोर्ट में अगर रेट कम होता है तो क्या बताया था मैंने इंपोर्ट में अगर रेट कम होता है तो प्रॉफिट होता है और जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो एफई अकाउंट क्रेडिट होगा एंट्री देखो क्या है नवंबर 15 पार्टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक ये आपकी कॉमन एंट्री है इंपोर्ट में लेकिन एफ एफ अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ है बिकॉज रेट कम हुआ है ठीक है अभी मल्टीप्लीकेशन ध्यान से समझना मल्टीप्लीकेशन है वन लैख डॉलर है क्या रेट है सिक्सटी फोर तो ध्यान से लिखते हैं ये मल्टीप्लीकेशन में ही गलत होता है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में आपको समझ में आना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन तो चलो यहाँ पे लिखते हैं वन लाख मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर के रेट से हम लोग पेमेंट करने वाले हैं तो वन लाख इंटू सिक्सटी फोर कितना बन जाएगा दैट विल बी सिक्सटी फोर लैक्स ठीक है बेस रेट क्या था हमारा बेस रेट था सिक्सटी फाइव तो वन लाख

सेकेंड इंस्टॉलमेंट है हमारा फिफ्टींथ मार्च का फिफ्टी थाउजेंड डॉलर रेट बन गया सिक्सटी सिक्स तो चलो अभी देखते हैं रेट कितना बना रेट बन गया अभी सिक्सटी सिक्स कितना था पहले बेस रेट कितना था सिक्सटी फाइव था अब कितना बना रेट सिक्सटी सिक्स बना रेट बढ़ गया अगर रेट बढ़ जाएगा तो एफई क्या होगा अभी एफईफ होगा डेबिट तो देखो एंट्री सेम है मार्च ट्वेंटी का डेबिट एफईफ को डेबिट किया है मैंने टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट देख लेते एक बार फिफ्टी थाउजेंड डॉलर क्या रेट है सिक्सटी सिक्स का रेट है तो चलो फिर मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी सिक्स का रेट फिफ्टी थाउजेंड इंटू सिक्स करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक बैंक की एंड दैट विल बी थर्टी थ्री लैक्स ऑन द क्रेडिट साइड तो आपका अभी बेस रेट कितना है बेस रेट है हमारा फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी फाई वो आ जाएगा डेबिट साइड में थर्टी टू लैक फिफ्टी थाउजेंड Then, दोनों का डिफरेंस कितना है दोनों का डिफरेंस है 50, 000, तो, 30, का डिफरेंस. FEF, account, आया कि थर्टी फर्स्ट मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं एंड थर्टी फर्स्ट मार्च को वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्युएशन आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो देखो थर्टी फर्स्ट मार्च तक कितने पैसे हमने पेमेंट कर दिए दो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिए थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद हम एक बीस अप्रैल को पेमेंट करेंगे एक टेंथ जनवरी को पेमेंट करेंगे इसका मतलब ये दोनों इंस्टॉलमेंट हमारे आउटस्टैंडिंग है ये दोनों इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करेंगे आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च तो इसीलिए कैसे सॉल्व करना है देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन तो कितना पेंडिंग है हमारा ट्वेंटी अप्रैल का फिफ्टी थाउजेंड डॉलर और टेंथ जनवरी का वन लाख डॉलर तो वन लाख और वन लाख और फिफ्टी थाउजेंड कितना बनेगा दैट विल थाउजेंड थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट इधर देख लेना इधर कितना थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट है सिक्सटी वन ठीक है कितना है रेट सिक्सटी वन तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ बेस रेट था हमारा सिक्सटी फाइव थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट कितना है हमारा सिक्सटी वन तो क्या दिख रहा है आपको रेट कम हुआ अगर रेट कम होता है तो एफ ई एफ अकाउंट क्रेडिट होता है सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी वन कितना डिफरेंस हुआ यहाँ पे चार का डिफरेंस है चार मल्टीप्लाइड बाय आपका पेंडिंग इंस्टॉलमेंट देखो अभी हमने कैलकुलेट किया था पचास हजार और एक लाख कितना हुआ वन लाख फिफ्टी थाउजेंड यही इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए तो एंट्री बनेगा काइलर का अकाउंट डेबिट टू एफ ई एफ अकाउंट ध्यान रखना भले आप इम्पोर्ट की एंट्री करो

पॉइंट वैल्यूएशन वैल्यूएशन का नरेशन ध्यान से मेड एंड रिकॉर्डेड एक्सचेंज डिफरेंस अब हम हम कौन सी एंट्री 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 करेंगे करेंगे मार्च को क्लोजिंग क्लोजिंग की की कैसे करते है? पहले हम करते हैं हैं पहले कैलकुलेट क्रेडिट कितने बार हुआ FEF? देखो में नहीं है, में है, ये 1 तो पे आप लेना डेबिट है 50, 000, तो डेबिट माइनस सो एफ ई एफ क्रेडिट था वन लाख फिर डेबिट था फिफ्टी वन लाख में से फिफ्टी गया बचा फिफ्टी फिफ्टी फिर इधर क्या है क्रेडिट तो कितना है ये सिक्स लाख सिक्स लाख प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिक्स लैख फिफ्टी तो चलो एंट्री करते हैं पॉजिटिव आंसर आता है हमको तो हमारा एंट्री बनेगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एफ ई एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है पॉजिटिव कितना मिला हमको सिक्स लाख फिफ्टी कैलकुलेट करके बताया मैंने अभी आपको और अगर ये आंसर पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव आता है तो इसी एंट्री को उल्टा कर देना प्रॉफिट एंड लॉस टू एफ ई एफ अगर आता है तो एंट्री बनेगा एफ एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिल बी सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड विच वी हैव कैलकुलेटेड सिंपल चीज है कैलकुलेशन की जितने बार आपको एफ एफ क्रेडिट दिखेगा प्लस करो जितने बार आपको एफ यू एफ डेबिट दिखेगा माइनस कर दो तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले पॉइंट पे ये है सबसे बड़ा बाउंसर जो आपको याद रखना है और वो है जब हमारा थर्टी फर्स्ट मार्च हो जाएगा तब बेस रेट चेंज होगा थर्टी फर्स्ट मार्च वैल्यूएशन होने के बाद बेस रेट हमेशा चेंज होता है और अभी बेस रेट कौन सा बनता है बेस रेट बनेगा हमारा थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट तो थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट कितना है सिक्सटी वन एक बार दिखा देता हूँ थर्टी फर्स्ट मार्च का रेट हमारा लास्ट पैराग्राफ में दिया है द रेट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इज सिक्सटी वन सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये सिली मिस्टेक होता ही है बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और उसमें कैलकुलेशन गलत होता है तो जब कभी भी हम वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यूएशन के बाद तुरंत एक एंट्री होती है क्लोजिंग की और क्लोजिंग के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट आएंगे उसके पहले आपको बेस रेट चेंज करना है अभी बेस रेट हमारा चेंज हो गया सिक्सटी वन चलो अभी अप्रैल के ट्रांजेक्शन में जाते हैं अप्रैल में ट्वेंटी अप्रैल का डेट दिया है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर रेट बन गया सिक्सटी थ्री चलो देखते हैं रेट बन गया हमारा सिक्सटी थ्री अभी तो रेट अभी सिक्सटी थ्री बन चुका है अप्रैल में कितना रेट था पहले बेस रेट सिक्सटी वन था अब कितना रेट बना सिक्सटी थ्री बना क्या दिख रहा है रेट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है मतलब एफ एफ .E क्या होगा डेबिट होगा तो एफ ई एफ यहाँ पे डेबिट है चलो मल्टीप्लाई करते हैं फिफ्टी थाउजेंड डॉलर है तो फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी थ्री बना रेट तो फिफ्टी थाउजेंड को आप सिक्सटी थ्री से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू मिल जाएगी थर्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे हम थर्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड दैन के लिए मल्टीप्लीकेशन बेस रेट है फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी वन का हमारा बेस रेट है तो दैट कम्स टू थर्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड आता है थर्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड तो इनका दोनों का डिफरेंस लेंगे डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे एफ पी एफ का पोजिशन डेबिट वन लाख ओके सारे ट्रांजैक्शन सेम होते हैं अमाउंट का फर्क होता है डिफरेंस जो रहेगा उससे कैलकुलेशन करना है अगर क्रेडिट होगा तो एफ पी एफ प्रॉफिट में जाएगा अगर डेबिट होगा तो एफ पी एफ लॉस में जाएगा अगला पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बेस रेट तो हमारा सिक्सटी वन ही है अगला इंस्टॉलमेंट देखते हैं टेंथ जनवरी ट्वेंटी वन वन लैख डॉलर रेट बन गया सिक्सटी वन अरे वाह बहुत अच्छा हो गया रेट सेम रहा पहले सिक्सटी वन बेस रेट भी सिक्सटी वन और अभी इंस्टॉलमेंट का रेट भी सिक्सटी वन तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस रेट भी सिक्सटी वन इंस्टॉलमेंट का रेट भी सिक्सटी वन आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है नो no डिफरेंस तो नो no डिफरेंस तो क्या करना है एफ ई एफ आएगा ही नहीं एंट्री बनेगा स्काईलैर का अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना इंस्टॉलमेंट था हमारा वन लैख का इंस्टॉलमेंट था क्या रेट था हमारा सिक्सटी वन तो वन लाख को अगर आप सिक्सटी वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी सिक्सटी वन लैख्स इंस्टॉलमेंट पेड ओके तो दैट इज पॉइंट अब हमने थर्टी फर्स्ट मार्च तक क्लोज कर दिया है अभी थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद हमने कितने एंट्री पास किए देखो एक अप्रैल का एक एंट्री किया है और एक ये जनवरी टेन का एंट्री किया है तो इसका भी क्लोजिंग करना पड़ेगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एफ ई एफ का पोजिशन यहाँ पे चेक करो एफ ई एफ का पोजिशन यहाँ पे क्या है यहाँ पे डेबिट है इसके बाद के एंट्री में तो एफईएफ है ही नहीं डेबिट का मतलब याद रखना हमेशा डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव और क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव तो नेगेटिव का एंट्री क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ ई एफ यहाँ पे देखो आंसर पॉजिटिव आया था तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिक्स लैख फिफ्टी का क्या एंट्री किया एफ ई एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ ई एफ बिकॉज ये दोनों एंट्री का क्लोजिंग करना है जनवरी टेन में तो कुछ है ही नहीं अगर होता तो वही रूल हम करते क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस अभी हम अप्रैल का जो वन लाख है उसी को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये है डेबिट और डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव तो आई एम राइटिंग द सेम अमाउंट ओवर हियर सिंस आई एम नॉट हैविंग एनी अमाउंट इन जनवरी टेन फॉर एफ ई एफ इफ इट इज़

सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है प्रैक्टिस करे बिकॉज इस चैप्टर में जितनी आप जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो ये चैप्टर आपको फिर एग्जाम के वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दैट इज द पार्ट विच वी हैव सॉल्व थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर